Hello students, in today's video lesson we are taking the next few problems of S.C. Verma. We were studying about the kinematics and the exercise of kinematics, rest and motion. So in the last online class we did the problem 49th problem. After then we are moving on. Okay, सबसे पहले हम लोग problem ले रहे हैं यहाँ पे 49 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये कल ऑनलाइन की क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह समझाई गई थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके नेटवर्क्स रिलेटेड, तो हम लोग 49 प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखो क्या दे रखा है 49 प्रॉब्लम में। सबसे पहले 49 प्रॉब्लम में बेटा गिवन है एंड और एरोप्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो क्या ले रखा है, एक एरोप्लेन है उसको लेट मी से ये मैंने x एक्सिस डिसाइड कर दिया, ये मैंने y एक्सिस बोल दिया, क्लियर है। और एक एरोप्लेन को a से b पोजीशन पे जाना था, ये मैंने पोजीशन b बना दी एरोप्लेन की, ये a पोजीशन हो गई यहाँ पे ओरिजिन पे, ये मैंने y एक्सिस कंसिडर कर लिया है। a से b पोजीशन की टोटल डिस्टेंस दे रखी है, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, a से b पोजीशन की टोटल डिस्टेंस दे रखी है आपके पास 500 किलोमीटर के बराबर, ये गिवन है। ओके, वो ए से बी जो डिस्टेंस दे रखी है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे रखा है, तो ईस्ट डायरेक्शन को मैंने एक्स एक्सिस को मैंने ईस्ट डायरेक्शन में नोट कर दिया, वाई एक्सिस को हमने नॉर्थ डायरेक्शन में मार दिया है। ठीक है, और ये जो एंगल है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला एंगल दे रखा है कितने डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर के बना। ओके, नेक्स्ट है ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो विंड की स्पीड दे रखी है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमने 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ले लिया। आगे द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ये 150 मीटर पर सेकेंड ये बना है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द बी पॉइंट। ठीक है, तो अगर पायलट को बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है तो पायलट को किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए, हेड का मतलब किस डायरेक्शन में अपनी प्लेन को लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोल देते हैं कि हमने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड वाई एक्सिस के ऊपर है या नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो द प्लेन द पायलट शुड हेड द प्लेन इन दिस डायरेक्शन, पायलट को प्लेन इस डायरेक्शन में हेडिंग करनी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड दैट इज गिवन एज 150 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन होना चाहिए। और लेट मी से ए बी लाइन से जिस डायरेक्शन में पायलट हेड कर रहा है वह अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये मैंने अल्फा डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड 150 मीटर पर सेकेंड के बराबर रखे हैं, इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हो। इसका एक कंपोनेंट चला जाएगा ए बी का लॉन्ग, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड का कोस कंपोनेंट, वो हो जाएगा कोस अल्फा के बराबर। एक हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड का साइन कंपोनेंट, वो हो जाएगा साइन अल्फा के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने करेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड है, वो भी ए बी लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया है, तो विंड की वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ विंड का कोस 30 कंपोनेंट ए बी का लॉन्ग आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड का साइन 30 कंपोनेंट, ठीक है, वो आपके परपेंडिकुलर टू द ए बी हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड का कौन सा साइन कंपोनेंट, साइन ले लिया यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर, क्लियर है, ये हो गया है। अब आगे क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले एंगल निकालना चाहिए जिस एंगल पे ये हेड करता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एरोप्लेन एग्जैक्टली ए से बी पॉइंट पे पहुंचे तो ड्रिफ्ट इन द एरोप्लेन शुड बी जीरो, और ड्रिफ्ट जीरो का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बराबर रख देंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड का साइन 30 कंपोनेंट इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड को आप लोग पुट कर देते हो साइन अल्फा इसका कंपोनेंट, दोनों के साइन कंपोनेंट आपने पुट कर दिए। यहाँ से अगर हम लोग साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड साइन थीटा डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, तो साइन अल्फा आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास, वेलोसिटी ऑफ विंड 20 दे रखी है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू मैंने पुट कर दी डायरेक्टली, और वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड आपके पास 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो 150 मीटर पर सेकेंड दे दिया आपने, आप 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये आगे आपके पास, सॉरी 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा आ गया
आपके पास 1/15 के बराबर। तो अल्फा एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/15 के बराबर, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए उस एरोप्लेन के लिए, तो अल्फा एंगल आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1/5 के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसी का सेकेंड पार्ट उसमें दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई द प्लेन टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए एरोप्लेन को कितना टाइम लगता है, वो टाइम फाइंड आउट करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो टाइम टेकन को फाइंड आउट करने के लिए हमने टाइम टेकन लेट मी से हमने टी से नोट कर दिया, टाइम टेकन बाई द एरोप्लेन टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी प्लेन वो मैंने टी से नोट कर दिया। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, ए बी कहलाऊ, तो दो कंपोनेंट है, एक तो है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड कॉस अल्फा कंपोनेंट, ए बी कहलाऊंगा, एक वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड और एक वेलोसिटी ऑफ विंड है उसका कॉस कंपोनेंट, कॉस 30 डिग्री ए सी कहलाऊंगा, ठीक है। आप कॉस एक तरफ कर लेते हो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड कॉस अल्फा एक तरफ हो गया प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड एक तरफ हो गया कॉस 30 डिग्री एक तरफ हो गया, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 500 किलोमीटर है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, देखो 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई आपके पास हो गया टाइम टेकन, उसको मैंने टी से डिनोट कर दिया, ठीक है। टाइम को आपको फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड 150 के बराबर, कोस आ गया आपके पास, कोस अल्फा आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो आपके पास साइन अल्फा एक्चुअली में आ चुका है, कोस अल्फा आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, तो कोस अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए बेस चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने जो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड है वहां से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई और ये बेस हो गया। अगर इसको बाहर निकाल के दिखाऊं तो आपने ऐसे लिया था ए बी पॉइंट, ऐसे ले रखे, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसके साथ वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड ये आपने ये एंगल ले रखा है, ये अल्फा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, यहाँ से आपने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर आपने पी मान लिया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। अब साइन अल्फा यहाँ पे गिवन था, साइन अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/15 दे रखी है, और साइन को हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अगर 1 हुआ तो हाइपोटेनस हो गया 15, तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस फाइंड आउट करोगे, तो 15 का स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 224 के बराबर अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ पे कोस अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, तो कोस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर, बेस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट 224 जो अभी हमने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आ गया 15, यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर द रूट 224 डिवाइडेड बाई 15 ही हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड दे रखा है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ विंड इज गिवन एज 20 पुट कर दिया, कोस 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया आपने, कोस 30 सॉरी बेटा √3/2 होती है, ठीक है। तो √3/2 हो जाएगा और ये हो गया आपके पास 5 × 10⁵ यहाँ से आपको टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टाइम आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, टाइम मैंने ऑनलाइन क्लास में फाइंड आउट करके दिखाया था, टाइम जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये टाइम नियरली इक्वल टू 49 मिनट्स के बराबर आएगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ठीक है 50 मिनट्स के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दैट एरोप्लेन विल टेक 50 मिनट टू गो या टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन, ए टू बी डायरेक्शन के अंदर कितना 50 मिनट्स के अंदर वो अपने डिस्टेंस को कवर कर लेगी, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 43rd क्वेश्चन। अब आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आ गए हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 43rd क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। तो आपने ऐसे एक ट्रक बना दिया लेटरी से, उस ट्रक के अंदर एक पर्सन आपने स्टैंड कर रखा है, तो ऐसे वो पर्सन लेटरी से खड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, दैट ट्रक इज मूविंग विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो ट्रक है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज बीन मूव्ड 58.5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से एक पर्सन है, एक उसने उस पर्सन ने क्या की, एक बॉल को थ्रो किया, उस बॉल को कुछ इस तरीके से थ्रो किया गया है कि बॉल ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करती करती जब ये ट्रक है ये लकड़ी से 14.7 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। इस ट्रक की नई पोजिशन लकड़ी से मैं ये बना देता हूँ कि जब ये ट्रक यहाँ से यहाँ पोजीशन पे पहुँच गया है, ठीक है,
तो इस पोजीशन पे आने के बाद वो ट्रक, वो जो बॉल है वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाते हुए, जब ट्रक 58.8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका तो वो दोबारा से क्या गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, इसी ट्रक के अंदर दोबारा गिर जाती है। क्लियर है? ओके। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दो चीज़ें निकाल के दिखानी है आपको, एक तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल और एक निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन आपको पॉइंट आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब थीटा वाइंड आउट करके दिखाना है। ठीक है, दो सिचुएशन दे रखी हैं, एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंड एज सीन फ्रॉम द रोड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एज सीन फ्रॉम द ट्रक की सिचुएशन देखेंगे कि जब हम ट्रक के अंदर रहते हुए अगर हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे आ रहा है। तो पहला है एज सीन फ्रॉम द ट्रक, सीन फ्रॉम द ट्रक। तो ट्रक से जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। देखो, ट्रक से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखो, अगर 58.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ट्रक दोबारा इस बॉल को रिसीव कर लेता है उसी पॉइंट पे, दोबारा ये ट्रक पे जाके गिर जाती है, तो जो पर्सन ट्रक के अंदर है उसको इस बॉल का मोशन एक्चुअली में वर्टिकल दिखाई देगा। किस वे के अंदर? जब ये पर्सन यहाँ आया तो इसने बॉल को यहाँ दिखाई दे रही है, जब ये ट्रक इस पोजीशन के ऊपर होगा तो इसको बॉल वर्टिकली अपवर्ड यहाँ कहीं दिखाई देगी। क्लियर है? ओके। जब ये ट्रक इस पोजीशन पे होगा तो उसको बॉल यहाँ वर्टिकली अपवर्ड इस पोजीशन पे दिखाई देगी, और जब ये ट्रक इस पोजीशन पे होगा तब उसको बॉल यहाँ दिखाई देगी, और फाइनली इसको यहाँ। तो इसका मतलब व्हेन द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट इन द ट्रक और दिस कंप्लीट इवेंट इज सीन फ्रॉम द ट्रक, दिस बॉल विल हैव टू बी मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहले ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, फिर ये बॉल क्या जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगी। तो एज सीन फ्रॉम द ट्रक दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज अपियर टू बी वर्टिकल मोशन। ये कैसा दिखाई देगा? वर्टिकल मोशन दिखाई देगा। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन दिखाई देगा तो देखो वेलोसिटी ऑफ क्या आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो दे रखी है यहाँ पे कितने के बराबर, वी हॉरिजॉन्टल से मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिनोट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक यहाँ पे गिवन है 14.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर, और ये जो बॉल है ये दोबारा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी, ये दोबारा गिर जाती है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी, आप से नोट कर सकते हो। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी इस बॉल की 58.8 मीटर के बराबर। ठीक है, तो आप पहले तो ये निकालोगे कि कितने टाइम में बॉल दोबारा से गिर गई, तो सिंपल टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा रेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, रेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल था वो 58.8 मीटर के बराबर था, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 14.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू अगेन रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर ए प्रोजेक्टाइल मोशन या आफ्टर ए वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, वो आ गया आपके पास 4 सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है, ये आप लोग इसको सोल्व कर लेना। 4 सेकेंड में बॉल दोबारा से, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरीके से आप बोल सकते हो, बॉल का कितना आ गया 4 सेकेंड। लेकिन जो पर्सन इस ट्रक के अंदर प्रेजेंट है उस पर्सन को इस बॉल को, ये बॉल ऐसे वर्टिकली अपवर्ड और ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड आती दिखाई दे रही है, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, ओके। अगर आपने इस बॉल का सिर्फ वर्टिकल अपवर्ड मोशन लिया हो तो पहले क्या निकाल के दिखाना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया आपके पास 90 डिग्री। इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉल ऐसे ही वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री। अगर हमें कोई बॉल वर्टिकल अपवर्ड दिखाई देता है तो डेफिनेटली हमने उसको वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 आ गया। अभी हमें फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मान लेते हैं इस बॉल को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, तो एक्चुअली में इस ट्रक वाले पर्सन को जो ट्रक में ऑब्जर्व है उसको ये इस डायरेक्शन में दिखाई दे रही है इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, अगर बॉल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैं ले लेता हूँ टेकिंग वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल का आपने वर्टिकल मोशन ले लिया, वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल। तो बॉल का अगर वर्टिकल मोशन लिया तो बॉल पहले लेट वी से यू इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया था, और हाईएस्ट हाइट के ऊपर, मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉल की वेलोसिटी बन जाती है 0। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू टी।
ठीक है, यू प्लस ए टी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल वर्टिकल मोशन के अंदर बॉल यहाँ से स्टार्ट होगी लकवे से वी वेलोसिटी से और बॉल यहाँ तक गई, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पोजीशन क्या बन जाती है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो बॉल का एक्सेलरेशन आप 9.8 ले लो, -9.8 ले लो अपर डायरेक्शन में, और टाइम बॉल 2 सेकंड जाने में लगाती है, 2 सेकंड आने में लगाती है, तभी टोटल टाइम 4 सेकंड है, तो वर्टिकल अपर डायरेक्शन के अंदर इसका टाइम हो जाएगा कितना? 2 सेकंड। तो यहाँ आपने मान लिया 2 सेकंड के बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी बॉल की 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 प्लस 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, और एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल हो गया आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी एज सीन फ्रॉम द ट्रक ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 19.6 नजर आएगी और एंगुलर ऑफ प्रोजेक्शन 90 नजर आएगा, ठीक है। ओके, तो हमें अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि अगर एक्चुअली में बॉल, अगर कोई ऑब्जर्वर इस बॉल को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए पैराबोलिक पाथ में बॉल जा रही है, और ट्रक से ऑब्जर्व कर रहा था वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्चुअली में बॉल का पाथ कैसा है? अगर हम लोग रोड से देख रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यू वेलोसिटी दे रखी है, एक इधर वेलोसिटी दे रखी थी, कौन सी? जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक है वो 14.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। वर्टिकल वेलोसिटी आपने अभी पहले न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करके दिखा दिया है, वर्टिकल वेलोसिटी आ गई इस बॉल की 19.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो सेकेंड आपके पास इसी केस को कंसिडर करते हैं हम लोग, सेकेंड न्यूमेरिकल यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है सेकेंड न्यूमेरिकल का? एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड दे रखा था कि क्या दे रखा, देखना इसके अंदर दे रखा था आपके पास एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, एज सीन फ्रॉम द रोड, रोड से देख लेते हैं, रोड का मतलब ग्राउंड ही हो गया आपके पास। तो रोड से जब इस इवेंट को देख रहे हैं तो ये जो बॉल का पाथ है वो एक्चुअली में पैराबोलिक पाथ नजर आ रहा है, ठीक है, और पैराबोलिक पाथ के अंदर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो या इस पैरेललोग्राम से या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप एंगल निकालने के लिए टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर बन जाएगा 19.7 डिवाइडेड बाई बेस बन जाएगा 14.7 मीटर पर सेकंड, से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से कितना आएगा ये, उसके हिसाब से ये बनेगा, इसको सोल्व कर लेना आप, ऑलमोस्ट 1.33 आएगा, और जब आप थीटा फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1.33 के बराबर, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास 53 डिग्री के बराबर आएगा लगभग, ठीक है। इसका मतलब एज सीन फ्रॉम द रोड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस बॉल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस बॉल एंगल रोड से आपको 53 डिग्री नजर आएगा, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कौन सी चीज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, अब आपको फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, इस यू का इधर कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा व्हिच इज ऑलरेडी गिवन एज 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू कॉस थीटा को आप किसके बराबर पुट कर दोगे, 14.7 मीटर पर सेकेंड के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 14.7 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कॉस 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, एंगल की वैल्यू कॉस 53 डिग्री ले लोगे, अगर ये कंप्लीट आ जाता है तो इसको आप सोल्व करके दिखा दोगे, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू देख लेना शायद 4/5 होती है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग 24.4 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी एज स्पिन फ्रॉम द रोड, तो ये आ जाएगी 24.4 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है, ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल था। इसके ऊपर हमने एक टॉपिक भी ड्राइव किया था एंगल, उसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अलग से, ठीक है, मोशन इन मूविंग प्लेटफॉर्म नाम था उस टॉपिक का, वो कंप्लीट ड्राइव करके दिखाया, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 44th क्वेश्चन, द बेंच ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई, ठीक है, एक क्रिकेट स्टेडियम आपने देखा होगा बीच में ग्राउंड होता है और साइड के अंदर बैठने के लिए बेंच गैलरी बनी होती है, ठीक है, तो बेंचेस कुछ इस तरीके से होते हैं लाइक स्टेयर्स की तरह होते हैं ऐसे बेंचेस, उन बेंचेस की क्या दे रखी है, विड्थ भी 1 मीटर के बराबर दे रखी है और उन बेंचेस की हाइट भी क्या दे रखी है, 1 मीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल ऑफ 1 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ठीक है, तो लेट मी से इस लेवल को हमने ग्राउंड मान लिया, ऐसे लाइन करके इस लेवल को हम ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर, तो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी है क्योंकि 1 मीटर हमने ले लिया है हाइट ऑफ द
बेंच गैलरी, बेंच गैलरी के अंदर जो बेंचेज है उनकी हाइट भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर। तो यहाँ से, यहाँ कहीं से एक बैट्समैन है वो एक बॉल को क्या करता है, हिट करता है, ठीक है। ओके, बैट्समैन हिट अबाउट 1 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर ऊपर ये बैट्समैन एक बॉल को क्या करता है, हिट करता है। एंड हिट्स ए मैमथ सिक्सर, मैमथ वर्ड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ये इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है MAMMOTH, ठीक है। मैमथ वर्ड का मतलब होता है, अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा सिक्स का मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री, काफी दूर जाकर बाउंड्री लाइन पे गिरती है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इसके अंदर क्वेश्चन ये है, द बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकेंड, जहां से बॉल को हिट किया गया उसकी इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल है 35 मीटर पर सेकेंड से बॉल को हिट किया गया, ओके। और बोलेंगे एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, और 53 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इसको हिट किया गया है, ठीक है। विद द हॉरिजॉन्टल द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है। मान लेते हैं उस बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से बॉल जाके बेंचेस को टच किया है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बॉल बेंच को टच करती है। तो ये कह रहा है कि द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 101 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, ठीक है। जहाँ से बैट्समैन ने बॉल को हिट किया है वहाँ से फर्स्ट बेंच की डिस्टेंस, फर्स्ट बेंच यहाँ तक ले रखा था आपने, ठीक है, तो वो डिस्टेंस दे रखी है 110 मीटर के बराबर, ठीक है। यहीं तक भी ले लो, मान लेते आपने 1 मीटर यहाँ स्टार्ट कर दिया तो यहाँ तक था लेती, ठीक है, 110 मीटर की डिस्टेंस तक था। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, तो बेंच किस बॉल के ऊपर, किस बेंच के ऊपर ये बॉल है, ये किस बेंच के ऊपर क्या करेगी, हिट करेगी, ये फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जो भी गिवन है वो डेटा कलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको पता है बॉल प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक मोशन के अंदर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उसके अंदर लेट मी से हमने कह दिया, ठीक है, आपने क्या कह दिया कि आपने सुना है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्टाइल मोशन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है, वो होती है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस आपके पास होता है जी एक्स स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2u² के बराबर। ये आपने क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ी है आपने, ठीक है, ये गिवन थी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब आपके अंदर आपने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने के बाद लेट मी से बॉल कितनी दूर जाके गिरती है, तो हमने आगे इस डिस्टेंस को मान लिया, लेट मी से वाई डिस्टेंस के ऊपर कहीं जाके बॉल स्ट्राइक करती है, हमें नहीं पता कितनी आगे लेकिन वाई डिस्टेंस बता दी, जैसे मैंने यहाँ स्ट्राइक कर दिया तो यहाँ तक कि मैंने ये आगे फॉरवर्ड डिस्टेंस को वाई कंसिडर कर लिया है, ठीक है। ओके, तो वाई ये वाला वाई भी हो गया था, ये वाला चलो इसको मैं छोटा वाई कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं है, वाई रहने दो, सॉरी, ठीक है, वाई रहने दो, ये वाई कंसिडर कर लिया आपने, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स है आपके पास रेंज, ठीक है, तो यहाँ रेंज हो गई 110 + y हो गया, ठीक है, टेन आपके पास गिवन है थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा 53 डिग्री, माइनस जी, जी की वैल्यू लगती से हम 10 पुट कर देते हैं, ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वेयर की जगह आप 110 + y का होल स्क्वेयर पुट कर दोगे, सीकेंट स्क्वेयर हो गया आपके पास थीटा हो गया 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 35 का होल स्क्वेयर के बराबर, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वाई आ जाएगा आपके पास 110 + y एज इट इज, ठीक है, 1053 डिग्री की वैल्यू होती है, इसको आप सोल्व कर लेना, या पहले मैं कर देता हूँ, 1053 की वैल्यू होती है आपके पास 4y5 के बराबर, तो आपने 4y5 फिट कर दिया है। उसके बाद क्या हो गया, 10 आया आपके पास, ठीक है, 10 as it is माइनस, सॉरी माइनस आएगा, -10 as it is, उसके बाद गिवन है 110 + y का होल स्क्वेयर एज इट इज, लिख दिया मैंने, सीकेंट स्क्वेयर 53 हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट 53 का, और कोसिकेंट 53 का स्क्वेयर, कोसिकेंट 53 होता है 3/5, और उसका उल्टा हो जाएगा सीकेंट 5/3, और उसका स्क्वेयर करोगे तो 25/9 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 into square root of 35, 35 का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई एज इट इज हो गया, 110 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 41 41 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा आपके पास 4y/5 -10 as it is, ठीक है, इसको आप 55/9 as it is लिख देते हो,
ठीक है, नीचे 2 एज इट इज, 35 का स्क्वायर एज इट इज। और इसका स्क्वायर आप लोग ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा, देखो इसका स्क्वायर बन जाएगा 110 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 210 y आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को, ठीक है, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको सोल्व करना है बेटा आपको, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे कम्प्लीटली तो आपके पास इधर लिख देता हूँ, आफ्टर सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू फाइव, हमें वाई की वैल्यू कितनी आती है, फाइव के बराबर आती है, क्लियर है। तो आपको बताना था किस बेंच को हिट करेगी, तो देखो फर्स्ट बेंच आपने 1 मीटर का ले रखा है, मतलब ये एक तरीके की डिस्टेंस अगर आपने हाइट मानी है तो वाई का मतलब ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये डिस्टेंस वाई आ गई, ठीक है। इस डिस्टेंस को वाई कैलकुलेट करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि जितनी ये डिस्टेंस आई, क्योंकि 1 मीटर ही विड्थ की है, 1 मीटर ही हाइट की है हर बेंच, तो अब हाइट भी आपके पास 5 मीटर आ जाएगी, लेकिन ये 5 मीटर हाइट जो आपके पास आई है ये किससे आई है, ये आपके इस लेवल से आई है, मान लेते इस लेवल से ये हाइट आई है आपके पास 5 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ग्राउंड से वो हाइट कितनी हो जाएगी, इस बॉल को 1 मीटर ऑलरेडी 1 मीटर पहले सेट किया गया है, तो 5 बेंचेज ऊपर हो गए तो 1 बेंच नीचे हो गए, तो कितने बेंचेज के ऊपर स्ट्राइक करेगी, द बॉल विल हिट द 6th बेंच, बॉल किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, 5 बेंच ऊपर हो गए, 1 मीटर का बेंच, 1 बेंच नीचे रह गया था, क्योंकि इस बॉल को सिक्स करने के लिए इस बॉल को ऑलरेडी उस बैट्समैन ने ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर से हिट किया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा द बॉल विल हिट द बेंच टू द बॉल विल हिट द 6th बेंच फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से 6th बेंच को क्या करेगी, बॉल हिट करेगी। वाई फाइव का मतलब हो गया इस डॉटेड लाइन से 5 बेंच ऊपर हो गए, 1 बेंच हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि 1 मीटर पहले से हिट की गई थी, लेकिन अगर ग्राउंड से बेंच पूछे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बेंच को जितनी हाइट के ऊपर बॉल क्या करेगी, बेंच को हिट करेगी। तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना, ठीक है, थैंक यू।